क्या महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही महायुति में शुरू हो गया है टकराव? क्या महायुति गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं? क्या बारामती में अजीत पवार के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे पीएम मोदी? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिनों का समय बचा है और ये सवाल बहुत ही अहम हो गए हैं। महाराष्ट्र चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो जा रही है। साथ ही महायुति और महाविकास अघाड़ी में कटाक्ष भी अब तेज हो गए हैं। इसके अलावा चुनाव के समय में गठबंधन के अंदर रार को सामने न आने देने की भी एक बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद के नेता आमतौर पर तहसील स्तर के छोटे स्थानों में चुनावी रैली नहीं करते हैं, इसलिए पीएम मोदी बारामती नहीं आएंगे। अजीत पवार के इस बयान पर कांग्रेस ने महायुति गठबंधन पर कटाक्ष किया। कांग्रेस ने यह दावा किया है कि चुनाव के बीच महायुति गठबंधन में टकराव शुरू हो गया है। दरअसल पत्रकारों द्वारा ये पूछे जाने पर कि उन्होंने अपने समर्थन में जनसभा करने के लिए पीएम मोदी को क्यों नहीं आमंत्रित किया, तो इस सवाल का जवाब देते हुए अजीत पवार ने कहा कि जब पीएम मोदी जैसा नेता चुनाव प्रचार करते हैं तो उनकी रैलियां जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाती हैं, ना कि तहसील स्तर पर। अजीत पवार ने यह भी कह दिया कि 2019 में मोदी ने बारामती में रैली की थी, लेकिन तब उद्देश्य अजीत पवार को हराना था, लेकिन अब स्थिति अलग है और मोदी चाहते हैं कि अजीत पवार ही जीते। उस समय अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी के सदस्य के रूप में विपक्षी खेमे में थे। अजीत पवार ने गुरुवार को कहा था कि उन्होंने पीएम मोदी से बारामती निर्वाचन क्षेत्र में आने का अनुरोध नहीं किया, क्योंकि वहां की लड़ाई परिवार के भीतर है। अब अजीत पवार के इस बयान के बाद कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट में दावा किया कि चुनाव के बीच महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में टकराव शुरू हो गया है। कांग्रेस ने कहा कि अब अजीत पवार ने साफ कह दिया है कि नरेंद्र मोदी को मेरे इलाके में रैली करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, राजश्री शाहू महाराज और महात्मा फुले का है। शिवाजी महाराज की शिक्षा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की है। ऐसे समय में जब चुनाव करीब हैं, अजीत पवार बीजेपी को अपनी हद में रहने की हिदायत दे रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि अजीत पवार को यह आभास हो गया है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार सत्ता में आ रही है और इसके पीछे एक कारण बीजेपी नफरत की राजनीति है, जो संविधान में विश्वास करने वाले महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं है। अब आपको बता दें कि बारामती से मौजूदा विधायक अजीत पवार अपने भतीजे युगेंद्र पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी अब बीजेपी और शिवसेना के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। अजीत पवार को मालूम है कि उनके अस्तित्व का चुनाव है और ये असली एनसीपी और नकली एनसीपी के लिए एक पब्लिक परसेप्शन बनाने का चुनाव है, क्योंकि वो लोकसभा में पिछड़ गए थे तो विधानसभा के चुनाव में इसमें किसी भी तरह से आगे निकलने की रणनीति पर लगातार काम कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि अजीत पवार और उनके करीबी कुछ विधायकों ने पिछले साल जुलाई में शरद पवार की पार्टी से नाता तोड़कर बीजेपी शिवसेना के गठबंधन में नाता जोड़ लिया और उन्होंने राज्य में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में हिस्सेदारी ले ली और इसके बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था। बाद में पार्टी का नाम एनसीपी और चुनाव चिन्ह भी अजीत पवार को ही मिल गया। हाल ही में सत्तारूढ़ गठबंधन के बारे में कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर चुनाव में सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनती तो वो महायुति से बाहर हो जाएंगे। तो वही अब ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद अजीत पवार महायुति गठबंधन से बाहर हो सकते हैं। अब आपको बता दें कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव 20 नवंबर को एक ही चरण में होंगे, जबकि विधानसभा चुनाव में मतों की गिनती 23 नवंबर को हो जाएगी, नतीजे आ जाएंगे। वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी ने मिलकर जो महायुति बनाई और सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी, एनसीपीएसपी और कांग्रेस की विपक्षी महाविकास अघाड़ी इसे सत्ता से बेदखल करने के प्रयास में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।